करेंगे मन से आज आक्रामक नहीं है, मन से पहले मन से हर साल यहाँ पे आपने आपको पता होगा तो ये टोल नाका मैंने दो बार तोड़ा है ये रस्ते के लिए, बराबर है। हमारे बहुत सारे भाइयों का इसमें जान गया है ये रस्ते में, ये आजू बाजू के जो गाँव है ना, कामन गाँव है या खारबाव है, ये पाया गाँव है, वसई विरार में देखिए ये जो चिंचोटी का और भिवंडी का रास्ता है, पिछले 12 सालों से यहाँ के जो स्थानिक है वो परेशान है, उसमें आज जो मन से आक्रामक है बात करेंगे, मन से आज आक्रामक नहीं है, मन से पहले मन से हर साल यहाँ पे आपने आपको पता होगा तो ये टोल नाका मैंने दो बार तोड़ा है ये रस्ते के लिए, बराबर है। हमारे बहुत सारे भाइयों का इसमें जान गया है ये रस्ते में, ये आजू बाजू के जो गाँव है ना, कामन गाँव है या खारबाव है, ये पाया गाँव, यहाँ के कितने बच्चे लोग एक्सीडेंट में खड्डे में गए, लगभग मालूम है 60 से ज्यादा मौत हुई तो है। मुझे लगता है कि एक बार एक आधा अधिकारी भी जाना चाहिए कि नहीं, बराबर है, कितना हमारे बच्चों का जान जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अगले 8 दिन में इसमें कुछ हुआ नहीं तो आज हम लोग पुलिस को बुला के आंदोलन किए, आगे पुलिस को बिना बुलाए आंदोलन करेंगे। ये जो गाँव वाले है उनको पूछो उनका तकलीफ क्या है, हम तो हमें तो ठीक है हम दूर से आते हैं, लेकिन इनकी जो तकलीफ है वो उनको ही मालूम है। अगर इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ तो हम इनमें परिवर्तन करेंगे, इतना जरूर। आप थाना से ट्रैवल करते हैं और फाउंटेन से आप जो वसई आते हैं तो क्या अनुभव रहता है आपको यहाँ? मुझे अच्छा ही जो काम चल रहा है उस पर मैं फाउंटेन से वसई तक आने तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं ट्रैकिंग के लिए आया हूँ, हाँ, और मुझे ऐसा लगता है मैं जीप भी लेके आऊँ क्योंकि बाकी छोटी गाड़ी यहाँ चलेगी नहीं, इतना गंदा परिस्थिति आज वो हाईवे का हो चुका है। वो छोड़ो वसई पालघर में किधर से भी आप आओ, आप भिवंडी से पालघर आओ, आप वाड़ा से पालघर जाओ, आप थाना से पालघर जाओ, कहाँ से भी जाओ, पालघर के बारे में कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ इलेक्शन के लिए पालघर के लोग लगते हैं, इसके अलावा पालघर के लोग लगते नहीं। यहाँ के जो पालक मंत्री है वही PWD मिनिस्टर है, वो क्या सोके रहते हैं क्या? बारिश आने तक वो इलेक्शन का ही काम करते रहते हैं क्या? तो आप एक काम करो, आपका जो डेजिग्नेशन है उसका इस्तीफा दे दीजिए और आपके पार्टी का काम कीजिए ना। आप पिछले 10 महीना तो इलेक्शन का काम करते हो और जब बारिश आती है तो आपको याद आता है कि नहीं मैं PWD मिनिस्टर भी हूँ। बिल्कुल, तो ये सही नहीं है। पिछले 3 महीने में हमें PWD मिनिस्टर कायम स्वरूपी का चाहिए, फुल टाइम PWD मिनिस्टर चाहिए, हमें पार्टी वर्कर PWD मिनिस्टर करके नहीं चाहिए। सर एक और, इसमें 40 से 50 लोगों की मौत हुई है, ADR दाखिल हुआ उनके ऊपर, और जबकि देखा जाता है एक्सीडेंट जो हो रहे हैं वो रोड और उसमें जो सिग्नल्स और डाइवर्जेंस वगैरह कुछ सारे इनकम्प्लीट है, कुछ भी नहीं है इधर। बाप का राज करने की मांग करेंगे क्या? इसमें बाप का राज है ऐसे ये सब लोग कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इनमें गुनाह नहीं, इनमें से एक दो जन जाने चाहिए तब उनको पता चलेगा जिसके घर का आदमी जाता है उनके घर में दुख क्या होता है। धन्यवाद। 3 महीने मी तुम्हाला एक सांगतो, पुढच्या 8 दिवसात जर या वसई पालघर या रोडचे जर खड्डे फुटले नाहीत ना, तर एक लक्षात ठेवा, तुम्हाला पोलिसांना न सांगता आणून तुम्हाला इथे आंघोळ घालू, तिथे बसला असाल तिथं आणून तुम्हाला आंघोळ घालूया पाण्यामध्ये। साधारण 4 किलोमीटर मंजूर केले 48 क्रॉनिक पीसेस आहे, वारंवार खराब होते, पहिल्या फेज मध्ये घेणार आहे आपण, ते करणार 8 महिन्यापासून पूर्ण आहे का?
खड्डे का नहीं बसवले पावसाळ्याच्या आधी तुम्हाला दर वर्षी माहिती नाही इथे खड्डे पडतात पुढच्या वर्षी पण सांगितलं कॉन्क्रीट पावसाळ्यात एकदम कडक होतो ना त्रास करून दाखवा या खड्ड्याचं मला नाहीतरी विचारायचं गावाला यांचं म्हणणं होतं पावसाळ्यात काम कसं होईल म्हटलं आपली होरपड राहिली का आपण पावसात पण काम करू लेकिन काम करने से पहले एक बार सोचना चाहिए फाउंटेन टू वैसे ही बराबर है आप लोगों ने क्या किया उसको उसको ही मार के रखा है आज जाके देखो उधर की कंडीशन क्या है आज आपने रास्ता बनाया इधर कैसे दो रास्ते बनाए आगे गया तो एक पाउल रोड बॉटल नेक रोड आ जाता है पूरा ट्रैफिक फाउंटेन तक जाता है अरे साइन में एक नहीं तुम लोगों ने साइन जो लगाया है उधर से नीचे उतरेंगे ना तो खड्डे में जाते हैं हम लोग तो डांबरीकरण भी करना चाहिए ना ऑलरेडी मैं वहाँ आपका आदमी भी झेंडा लेके खड़ा ले रहे मारलं जाऊन ना एकाला मारलं विचारला गेला त्याच्या एकाला मारलं किती ग्रामपाट्याला काय तुम्हाला आम्ही आज दिवस देतो आठ दिवसाच्या आज मला इथे खड्डे बुजले नाहीत तर आठ दिवसांनी आम्ही पोलिसांना पत्र देणार नाही पोलिसांना बोलवणार नाही तुम्ही ज्या कार्यालयात बसलात त्या कार्यालयात आम्ही तुम्हाला एक खड्डे दाखवून देतो आज आम्ही पोलिसांचा आदर करतो मान सन्मान करतो त्याच्यामुळे आज आम्ही तुम्हाला नीट लावून देतो पण पुढच्या चालू आहे सर नीट राहाल अशी अपेक्षा माझ्याकडे बाळगू नका तीन आठवड्यापासून एवढा मोठा डोर टाकलाय चार घंटा के लिए अगर आप वो रास्ता मुझे वसई तक नहीं क्लियर हो गया वो जाके देखो एक बार खड्डे में कैसा गाड़ी जाता है अंदर से बाहर आता है रिक्षा बस आठ दिवस।